अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं खरा सच का YouTube चैनल। मेरा नाम मुबशिर लुकमान है और बड़ा दुख हो रहा है देखकर हिंदुस्तान के अंदर से जो कुछ स्टेटमेंट्स आ रही हैं, जो कुछ बातें हो रही हैं। बात यह है कि जब भी चुनाव आता है तो बॉर्डर पे तनाव आता है। ये एक अजीब फनी एलिमेंट है। समझौता एक्सप्रेस ले लें, कल प्रोहित का ले लें, आप अजमल कसाब का वाकया ले लें, मुंबई अटैक्स ले लें, जिस वक्त इंडिया की अपनी कोई हुकूमत उस वक्त चलने वाली जो है वो लोकली फेल हो रही होती है और उसके जो रेटिंग्स हैं वो बिल्कुल डिप्रेस हो रही होती हैं, तो उसको ये सारी चीज़ें याद आ जाती हैं। और पहले एकदम से ये जो बॉलीवुड के एक्टर्स और एक्ट्रेसेस और सिंगर्स हैं, ये एकदम उठ के जो प्रो इंडिया बातें करते हैं या एंटी मुस्लिम हेट की बातें करते हैं, वो इसलिए नहीं करते कि ये इंडियंस हैं, वो इसलिए नहीं करते कि वो बहुत अपना पेट्रियाटिक है, वो इसलिए करते हैं कि उनकी जगह ही नहीं बनती। जब फवाद खान जाता है वहाँ पे, जब आतिफ असलम जाता है, जब राहत फतेह अली खान जाता है, जब मायरा खान जाती है वहाँ पे, जब हमारे दीगर स्टार्स वहाँ पे जाते हैं या सिंगर्स जाते हैं, तो इंडियंस के अपने सुपर स्टार्स जो हैं वो ज़ीरो हो जाते हैं, उनकी कोई हैसियत नहीं रहती है। तो उनके लिए मौका है, गॉड गिवन मौका है कि भाई बॉर्डर पे इतनी बड़ी दीवार खड़ी कर दो ताकि ये पाकिस्तान के हुनरमंद जो हैं वो वहीं पे रहें और वो यहाँ पे ना आए और वो हमारा काम ना ले सकें। इससे ज़्यादा इनकी इनसिक्योरिटी नहीं है। हम दुश्मनी को नहीं फ़रोग देते, हम किसी से लड़ाई नहीं करना चाहते, हम किसी से जंग नहीं करना चाहते। बट लेट दिस बी क्लियर कि अगर अब तुमने जंग की, पाकिस्तान की 22 करोड़ अवाम तुमसे जंग करेगी और फिर तुम्हें बहुत बुरा सबक मिलेगा। टेक केयर। आप देख रहे हैं मुबशिर लुकमान YouTube चैनल और अगर आप इस चैनल से बराए रास्त मुस्तफीद होना चाहते हैं, आप चाहते हैं हमारी ब्रेकिंग न्यूज खबरें और प्रोग्राम्स आप तक पहुंचते रहें अनइंटरप्टेड, तो ये बेल आइकॉन को प्रेस करें और सब्सक्राइब का बटन दबा लें ताकि अनइंटरप्टेड आपको खरा सच और खरा सच की जितनी भी लेटेस्ट न्यूज होंगी, अपडेट्स होंगी, वो मिलती रहेंगी।